सत श्री अकाल देश विदेश के सूबे के सरोकार जुड़िया तमाम खबर लेकर मैं रोमन बाजवा हाजिर हां। बुलेटिन का आगाज करते हैं हुण तक दीआं खास खबर दे नाल। जम्मू कश्मीर च सत्ता नूं लैके सस्पेंस होया खत्म। 23 फरवरी तो पहला भाजपा ते पीडीपी मिलकर बनाएगी सरकार। 1984 कतलेआम की केंद्र सरकार वालों एसआईटी गठन का रस्मी ऐलान। जल्द शुरू होगी जांच। पंजाब के भखवे मसलों नूं लैके दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री बादल। वख-वख केंद्रीय मंत्रियों नाल मुलाकात। पटियाला तो चंडीगढ़ रोड से 7.5 वीघे थां ते इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने किया कब्जा। अदालत विच ट्रस्ट के हक विच फैसला आने ते जगह ते नजायज कब्जे नूं हटाया गया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर विच सत्ता नूं लैके सस्पेंस खत्म हो गया है। भाजपा ते पीडीपी मिलके सूबे विच सरकार बनाएगी अते 23 फरवरी नूं नवीं सरकार दा गठन हो जाएगा। अगले 3 दिनां दे अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद अते प्रधानमंत्री मोदी दे विचकार मुलाकात होगी। ए भी तय हो गया कि मुख्यमंत्री पीडीपी पार्टी दा होगा जबकि उप मुख्यमंत्री भाजपा दी पार्टी दा होगा। इस बार होने वाले बजट सैशन तो पहला सरकार दा गठन हो जाएगा। तुहानू दस दईए कि दिसंबर विच जम्मू कश्मीर विधानसभा दीआं चोणां विच 87 सीटां चो पीडीपी ने 28 सीटां ते भाजपा ने 25 सीटां हासिल कीतीआं सन। उधर कांग्रेस नूं 12 अते एनसी नूं 15 सीटां मिलीआं सन। उन्नीस सौ 1984 कतलेआम की जांच लई केंद्र सरकार वालों एसआईटी के गठन का रस्मी ऐलान कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। इंसाफ देने के लिए केंद्र सरकार हुण गंभीर नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 84 मामले के सारे केसों की जांच पड़ताल के लिए एसआईटी बनाने का रस्मी तौर पर ऐलान कर दिया है। सरकारी हलकों के मुताबिक इस जांच के लिए टीम मैंबर की चोण और अधिकार खेत्र तय करने बारे कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है जिसनों एक हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिक्र खास है कि 84 सिख कतलेआम से विशेष जांच टीम के गठन की चर्चा दिल्ली विधानसभा चोणों तो पहला ही शुरू हो गई थी पर विधानसभा चोणों का बिगल वजदे ही चोन जाबते के कारण रस्मी ऐलान नहीं किया गया। लिहाजा हुण दिल्ली दे विच चोणां मुकम्मल हुंदे ही एसआईटी दे गठन का ऐलान कर दिया गया। दसनयोग है कि जस्टिस मातृ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विच कहा सी कि 1984 कतलेआम दे केसां विच जांच सही ढंग दे नाल ना होण करके पीड़ता नूं इंसाफ नहीं मिलिया। जिस तों बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वल्लों भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं पत्र लिख के कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देंदिया एसआईटी बनाउण की अपील की गई सी। सोण वेखणा इह होवेगा कि एसआईटी दे गठन तों बाद 84 पीड़ता नूं इंसाफ देण दे लई होर किन्ना समां लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम टीवी। पंजाब के वख-वख पखवे मसलों नूं लैके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दिल्ली विखे केंद्रीय मंत्रियों नूं मिले। मुख्यमंत्री बादल ने मनुख सरोत विकास मंत्री स्मृति ईरानी अते मुलाकात करके अमृतसर च केंद्र सरकार वालों स्थापित किए जाने वाले आईआईएम ते विचार वटांदरा किया अते इस संबंधी जमीन बारे भी जाणू करवाया। इस तों इलावा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू नाल मुलाकात करके शहरां दे सर्वपक्षी विकास लई 5,187,75,00,000 रुपए की मांग की गई। इत्थे ही सूबे दे 12 शहरां कस्बियां नूं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शामिल करन दे भी चर्चा की गई। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री राधा मोहन सिंह नाल मुलाकात करदिआं मुख्यमंत्री बादल ने जिथे किसानां दी पक्कियां मंगां रखियां उत्थे ही सूबे च बागवानी यूनिवर्सिटी स्थापित करन दी भी मांग रखी। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वल्लों चुके गए वख-वख मसलियां ते केंद्रीय मंत्रियां ने हल दा भरोसा दित्ता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नवे अहुदेदारां अते अंतरिम बोर्ड के मैंबरां की चोण 27 फरवरी नूं जनरल हाउस च कीती जाएगी। इस बारे वधेरे जानकारी देंदे हुए कमेटी के मीडिया सलाहकार परमिंदर पाल सिंह ने कहा कि अंतरिम बोर्ड की हुई मीटिंग दौरान यह फैसला लिया गया है। इस दे नाल ही पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रणीके वालों गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के लंगर हाल का नाम शहीद बाबा जीवन सिंह जी रखने के दिए गए सुझाव बारे भेजी गई पत्रिका नूं भी अंतरिम बोर्ड वालों प्रवानगी दे दी गई है। 26 फरवरी नूं खत्म हो रहे अंतिम बोर्ड के 2 साल के कार्यकाल के आधार से पहली बार समय सिर अंतिम बोर्ड दीआं चोणां होण दा दावा करदे होए उन्होंने पिछलियां कमेटियां वालों इन्हां चोणां नूं लटकाउण दे हथकंडे मौजूदा कमेटी वालों ना अपनाए जाण दी वी गल कही। इन्हां चोणां च प्रधान सीनियर मीत प्रधान जूनियर मीत प्रधान जनरल सकत्तर ज्वाइंट सकत्तर समेत 10 मैंबरां की चोण मौजूदा 51 कमेटी मैंबरां के जनरल हाउस वालों किए जाण दा दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट अनुसार चलन है।
इस वेले शामनगर तो मैंबर सतनाम सिंह औलख के अकाल चलाने उपरंत कमेटी के पंजाब मैंबर हैं, जिस विच श्रोमणी अकाली दल के कोल दो तिहाई तो भी वध तकरीबन 39 मैंबर अपने दल के हैं। पटियाला तो अगवा हुई 3 साल बच्ची दिव्यानी आखिरकार पुलिस नूं बरामद हो गई है। पटियाला दे एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान ने पत्रकारां नाल गलबात करदे दस्या कि स्थानक मोहल्ला विकास कलोनी वासी सुरिंदर कुमार की बच्ची जो कि अज तो तकरीबन 8 दिन पहला पेट भरे हालात च लापता हो गई सी, उस नूं लंबी पड़ताल तो बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले च अगवाकार अमनदीप सोनू नूं भी काबू किया गया। जिक्र खास है कि बच्ची का पिता का दोस्त सोनू ही बच्ची का अगवा कर निकलिया। सुरिंदर अमनदीप सोनू दोनों इनू बच्ची नू घर तो बाहर मिठाई वगैरह दवा के उनू घर छड़ के ते दोनों अलग अलग अपने चले गए। घर के अंदर इन्हां दी वाइफ ते बहुत सारे फैमिली मैंबर सी, पर वो अंदर कमरियां दे विच सी। जो ये वापस आके देखिया तो वह बच्ची उतों घर दे विचों मिसिंग सी। परचा दर्ज करके दी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुण अज लड़की बच्ची जिहड़ी हैगी है सुरक्षित बरामद कर ली गई है। तो दोषी जिहड़ा हैगा अमनदीप सोनू वो इन्हां दा जिहड़ा दोस्त है उही इहनूं बच्ची नूं अपने घर दे विचों उन्हां नूं किडनैप करके लै गया सी। पटियाला तो चंडीगढ़ रोड से स्थित करोड़ों रुपए की 7.5 विघे थान का भारी टकराव के चलद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों कब्जा लैण का दावा किया गया। ट्रस्ट के ईओ एसपी थिन की अगुवाई 400 के करीब पुलिस कर्मचारी इस थान का कब्जा लैण पहुंचे और कई घंटे यह ऑपरेशन चलिया। इस थान से पटियाला बचाओ संघर्ष कमेटी के प्रधान राकेश गुप्ता लंबे समय तो काबिज हैं। उधर ट्रस्ट ने यह थान अपनी होने का दावा किया है। मान्य कोर्ट विच लंघे दिन इसका फैसला इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के हक विच कर दिया गया सी, जिसके चलदे ट्रस्ट वालों इस थान का कब्जा लैण लई पारी लामो लश्कर नाल कार्रवाई की गई। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का कोर्ट का मान जो कोर्ट का ऑर्डर सीगा उसके तहत कब्जा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का है जरा वो इतने चल रहे माफिया राज खिलाफ हल्ला बोलद जन अंदोलन के चौथे दिन इंसाफ प्राप्ति मंच अधीन वड्डी गिनती च लोगों वल्लों डिप्टी कमिश्नर लुधियाना के दफ्तर सामने रोस भरपूर मुजहरा किया गया, जिस विच वड्डी गिनती च औरतां ने भी हिस्सा लिया। लोगों के पक्ष के मसलों हल कराने लई अते पंजाब नूं माफिया भ्रिष्टाचार अते फिरका प्रस्ती तो मुक्त कराने लई शुरू कीते गए इस जन अंदोलन विच केंद्र अते पंजाब सरकार नूं घेरदिया मंच के कन्वीनर साबका विधायक तरसेम सिंह जोधा ने कहा कि पंजाब विच कानून का राज नहीं सगों हर खेतर विच माफिया लोगों का खून पी रहा है। रेत माफिया ने लोगों नूं घर बनाउणों भी वांझा कर दिता है। नशे माफिया ने हजारां घरां दे नौजवान पुत्रां नूं नशियां विच गलतान करके पंजाब दी जवानी नूं खोखला बना दिता है। खत्म कर दी शासन चलिया जा रही ने, जो 100 दिन कम देना वो दिता नहीं जा रहा। 15 दिन बाद अपलाई करने के जो पत्ता मिलना होंगे बेरोजगारी वो अज तक नहीं दिता गया, और जेडे काम किया पेमेंट भी नहीं दी गई। इतों तक मतलब माड़ी हालत आ भी 40% जोड़ा बजट है पंजाब का वह अधूरा पे जो कि 1.5 महीना रह गया सिर्फ 31 मार्च तक पूरा करना। वक्त पार्टियां संबंधित उम्मीदवार ने बनाला नगर कौंसल एसटीएम दफ्तर अपन नामजदगियां दाखिल करवाई। बनाला नगर कौंसल के कुल 31 वार्डा दोणा हो जा रही ने, जिस 19 वार्डा अकाली उम्मीदवार 12 वार्डा भाजपा उम्मीदवार चोन मैदान उतारे गए ने। प्रेस गलबात करद उम्मीदवार ने दस कि विकास के मुद्दों लैके चोणा लड़ रहे ने। उन्होंने वोट पाने की अपील भी की जित के अपने वार्ड अंदर लोगों दश्कलों का हल कर सकन। भाजपा के आगुआ ने दसिया कि उन्हां वल्लों अकाली भाजपा गठजोड़ वल्लों दित्तियां सीटां उपर ही चोणां लड़ियां जा रहियां ने। बरनाला दे अंदर भारतीय जनता पार्टी 28 कैंडीडेट असीं खड़े कीते आ, जिहदे विच भदौड़ तों असीं 5 कैंडीडेट लड़ रहे हां सीटां, तब्बे दे विच वी 5 सीटां लड़ रहे हां, धनौले तों 6 आ ते बरनाला दे अंदर असीं 12 सीटां दे उत्ते इलैक्शन जिहड़ा लड़ रहे हां। टोटल 28 सीटां दे उत्ते भारतीय जनता पार्टी बरनाला दे अंदर इलैक्शन लड़ रही है। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ,
जो लोगों का वादे किए पूरे करा तन मन धन पब्लिक की सेवा करा। मैं लोगों को सब तो यही अपील करती हूँ हाथ जोड़ के भी वध चढ़ के वोटा पा के सू कामयाब। ते जांदे जांदे एक बार फिर तो नजर हुण तक दीआं खास खबरां ते। जम्मू कश्मीर च सत्ता नूं लैके सस्पेंस होया खत्म। 23 फरवरी तो पहला भाजपा ते पीडीपी मिलके बनाएगी सरकार। ਉਨਸੋਚਾਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ। ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਕਵੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ 7.5 ਵਿਘੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ।